Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and this is part 3 of noun. Previous video में हमने noun के कुछ important rules discuss किए थे. अगर आपने वो video नहीं देखा है, so I would suggest you to watch that first. उसका link मैं description box में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. So let's start today's session and talk about rule number 4. Rule number 4 देखो क्या कहता है. Some nouns are always plural. Use plural verb with them. Rule number 4 कहता है कि कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे होते हैं plural. और obviously आप उनके साथ verb भी कैसे use करोगे plural, right? तो वो nouns हैं कौन से? उनकी मैंने यहाँ पर list ले ली है. Scissors, trousers, pants, spectacles, binoculars, stones, arms, archives, goods. Belongings, eatables, remains, ठीक है. ये किस कैटेगरी के नाउन्स हैं? विच आर ऑलवेज प्लूरल. वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है, बट इतने भी आप कर लोगे तो सफिशियंट है. ये मैंने वही लिए हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जिन पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा ये रूल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस सीजर इज वेरी कॉस्टली. ये सेंटेंस आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है. व्हाई? पहली बात तो सीजर जैसा कोई वर्ड नहीं होता. वर्ड क्या होता है? सीजर्स. अभी मैंने कहा ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं. वर्ड आपका होता है सीजर्स, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी. तो आप इस भी यूज नहीं कर सकते. आप क्या यूज करोगे? आर. तो आप क्या कहोगे? दीज सीजर्स आर वेरी कॉस्टली, राइट? अब आप कहोगे मैं तो एक सीजर की बात कर रहा हूं, है ना, तो मैं क्यों ऐसे बोलूं आर? मुझे तो इज लगाने में तो एक सीजर की बात कर रहा हूं. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो वर्ड पेयर ऑफ. आप कह सकते हो दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज वेरी कॉस्टली. ये भी बिल्कुल ठीक है. अब देखो, क्योंकि यहाँ पर ये जो इज वर्ब है ना, ये किसके अकॉर्डिंग आई है? पेयर के अकॉर्डिंग एंड नॉट अकॉर्डिंग टू सीजर. लेकिन वर्ड आप सीजर्स यूज करोगे, यू कैन दिस सेंटेंस इधर वे. आप या तो ऐसे कहोगे दी सीजर्स आर वेरी कॉस्टली. अगर आपको एक की बात करनी है तो आप कह सकते हो दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज वेरी कॉस्टली. दोनों ही सेंटेंस ठीक है, बट आप ऐसे नहीं कहोगे दिस सीजर इज वेरी कॉस्टली, राइट? कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अच्छे से रूल ये क्लियर हो जाएगा. जैसे मैंने बोला वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है. क्यों? सेम रीजन. वर्ड तो ठीक है, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पेक्टिकल्स ही होता है, स्पेक्टिकल कुछ नहीं होता. बट आपने यहाँ देखो वर्ब कैसे यूज कर दी इसके साथ, सिंगुलर, विच इज रॉन्ग. इनके साथ आपको वर्ब यूज करनी होती है प्लूरल. तो आप कहेंगे वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स. या फिर अगर आपको वही बात है, आप कहोगे मेरे को तो एक की बात करनी है, तो आप कह सकते हो वेयर इज माई पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. ठीक है, आपको अगर कहो क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगानी है आप यूज कर सकते हो पेयर ऑफ लगाकर, राइट? ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है. आप कैसे भी कह सकते हो वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स कह लो, या फिर ऐसे कह लो वेयर इज माई पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिलोंगिंग. बिलोंगिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता. वर्ड क्या होता है हमारे पास? बिलोंगिंग्स. बिलोंगिंग्स क्या होता है? कोई भी सामान जो आपसे बिलोंग करता है, कोई भी सामान जो आपका है, दैट इज योर बिलोंगिंग्स. ठीक है, तो बिलोंगिंग कुछ नहीं होता पहली बात तो, और सेकेंडली वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब. तो वहां पर भी ठीक थी, आ रहा है, बिल्कुल ठीक है. पर यहाँ पर वर्ड गलत हो गया. आपको बिलोंगिंग नहीं क्या कहना है? बिलोंगिंग्स. तो इन टाइप के सेंटेंसेस में आपको एरर दो ही जगह मिल सकते हैं मेनली. या तो इसी वर्ड में एरर दे देगा, इसे सिंगुलर करके होता ये प्लूरल है, या फिर आपका एरर कहाँ दे देगा? वो वर्ब में. ठीक है, इन दो जगह पर ही आपको एरर मिल सकता है इन सेंटेंसेस में. तो आपका करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर होगा यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिलोंगिंग्स, राइट? ये था हमारा रूल नंबर 4. आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स कम टू द रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 क्या कहता है? सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर. कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो कैसे दिखेंगे प्लूरल, बट वो एक्चुअल में होते कैसे हैं सिंगुलर. अब वो एक्चुअल में सिंगुलर है तो वर्ब भी उनके साथ कैसे यूज करोगे?
सिंगुलर, करेक्ट। अब देख लेते हैं वो वर्ड्स हैं कौन से जो दिखते तो प्लूरल हैं बट एक्चुअल में कैसे हैं सिंगुलर। तो वो वर्ड्स हैं हमारे पास न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, रिकेट्स, मीजल्स, इनिंग्स, एथिक्स, समन्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच लुक प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर। सेंटेंस देखते हैं, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस, क्योंकि देखो चाहे आपको ये मैथमेटिक्स के बाद एस दिख रहा है बट है तो ये सिंगुलर, है तो ये एक सब्जेक्ट का नाम ही, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी का वर्ड है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी इसके साथ कैसी आई है? सिंगुलर, दैट इज। लाइकवाइज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी आपको दिखने में प्लूरल लग रहा होगा क्योंकि इसके बाद एस लगा है बट एक्चुअल में ये कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी इसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर। आप कहोगे पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, मतलब पॉलिटिक्स हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये तो था रूल नंबर 5, बट इस रूल का एक एक्सेप्शन है, वो देख लेते हैं क्या है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि जब भी हमने इन नाउन्स को क्या कर दिया, पर्टिकुलराइज। पर्टिकुलराइज का क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर के लिए इसे यूज कर लिया, उस केस में अब आपकी वर्ब सिंगुलर ना आकर कैसी आएगी? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक और यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है। मैंने बोला द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट आर वेरी डर्टी और यहाँ पर ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। वाई? अभी तो आप कहोगे, आपने बोला कि इनके साथ वर्ब आप सिंगुलर यूज करते हो बट यहाँ आपने प्लूरल कर दी यूज और फिर भी ये सेंटेंस ठीक है, तो ये क्यों हुआ है? यही हमारा एक्सेप्शन है कि यहाँ पर हमने इन नाउन्स को क्या कर दिया? पर्टिकुलराइज, क्योंकि यहाँ मैंने क्या कह दिया? हिज मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसका पोजेशन थोड़ी बना सकते, उसका मैथमेटिक्स या मेरा मैथमेटिक्स, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स इसका है या इसका है या मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है मैथमेटिक्स का? यहाँ हम बात कर रहे हैं उसकी मैथमेटिकल स्किल्स, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी आई है? प्लूरल, दैट इज आर। उसकी मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो क्या है? वीक है। क्लियर? लाइकवाइज अब यहाँ पर सिंपल पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, इन जनरल हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर किसकी पॉलिटिक्स की बात हो रही है? पॉलिटिक्स ऑफ दिस स्टेट। यहाँ पर पॉलिटिक्स को हमने इस स्टेट के साथ पर्टिकुलराइज कर दिया, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारी वर्ब आई है प्लूरल। यहाँ पर पॉलिटिक्स इस स्टेट की है, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस स्टेट मीन्स पॉलिटिक्स इज नाउ बीइंग पर्टिकुलराइज, इसलिए वर्ब आई प्लूरल और इसलिए आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। वैसे सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, अगर नाउन पर्टिकुलराइज कर रखा है तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 सेज सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल। अब इसका अपोजिट है, कुछ नाउन्स दिखते सिंगुलर हैं बट एक्चुअल में हैं कैसे? वो प्लूरल। तो वर्ब भी कैसे यूज करोगे? प्लूरल, क्योंकि एक्चुअल में वो कैसे हैं? प्लूरल। इस कैटेगरी के वर्ड ये सारे हैं, देख सकते हो आप, कैटल, पुलिस, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, इलेक्टोरेट, चिल्ड्रेन, दिख रहे हैं सिंगुलर बट एक्चुअल में कैसे हैं ये वर्ड्स आपके? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बिल्कुल इनकरेक्ट है। चाहे आपको कैटल दिखने में सिंगुलर लग रहा हो बट ये किस कैटेगरी का वर्ड है? विच इज ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो कैटल आपका यहाँ पर प्लूरल वर्ड होता है, इसलिए इज नहीं आप उसके साथ क्या यूज करोगे? आर। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड विल बी योर करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी रूल का, पुलिस इज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट फॉर द सिटीजंस। अब पुलिस, पुलिस भी दिखने में आपको सिंगुलर लग रहा होगा बट पुलिस प्लूरल होता है। अगर यहाँ पर इसके आगे मैं लिख देती ना पुलिस मैन, अगर मैंने लिख देती पुलिस मैन तो ये बिल्कुल सिंगुलर होता। पुलिस मैन कहो तो ये सिंगुलर है बट आप अगर ओनली पुलिस वर्ड का यूज कर रहे हो तो वो होता है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर इज गलत है और ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए था? पुलिस आर।
ठीक है, कहीं भी आपको पुलिस वर्ड दिखा मिले, आप उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करोगे। पुलिस आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट फॉर द सिटीजन। नेक्स्ट, चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द पार्क। अब चिल्ड्रन भी कैसा वर्ड है? प्लूरल, क्योंकि इसका सिंगुलर तो क्या होता है? चाइल्ड। ठीक है, सिंगुलर तो क्या होता है? चाइल्ड। चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो यहाँ पर भी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नहीं, प्लूरल, दैट इज आर। आप नहीं कहोगे चिल्ड्रन इज प्लेइंग, आप कहोगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चाइल्ड होता तो बिल्कुल इज आता, क्योंकि वो सिंगुलर है, बट चिल्ड्रन आपका किस कैटेगरी का वर्ड है? प्लूरल। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। क्लियर? लेट्स कम टू रूल नंबर सेवन। रूल नंबर सेवन कहता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम फॉर्म रहती है। ठीक है, मतलब चाहे आप सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हो, चाहे प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हो, वो वर्ड यही रहता है। जैसे मैंने कहा शिप, फिश, डियर, वैकेशन, वेजेस, सीरीज, ये वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दिस सीरीज इज वेरी इजी, देयर आर फाइव सीरीज इन दिस क्वेश्चन पेपर। ये दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट है। देखो, चाहे मैंने बात की थी एक सीरीज की, तभी भी वर्ड क्या आया? सीरीज। सीरीज आप लोगों को पता होगा, मैथ्स में, रीजनिंग में अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल सीरीज करते हो, वर्ड कभी भी नहीं होता सीरी। अगर एक सीरीज भी होती है तो भी आप सीरीज ही कहते हो, यू नेवर से सीरी। ऐसा तो नहीं है ना कि सिंगुलर के केस में आप सीरी कह रहे हो और प्लूरल के केस में आप सीरीज कह रहे हो, आप वर्ड सीरीज ही यूज करते हो। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने एक की बात की, दिस सीरीज इज वेरी इजी, तब भी सीरीज आया। मैंने यहाँ पर पांच सीरीज की बात की, वर्ब तो प्लूरल आएगी क्योंकि यहाँ पांच सीरीज की बात कर रहे हैं, पर वर्ड क्या रहेगा? सीरीज ही रहेगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल है इसका, देखते हैं। देयर आर फाइव फिशेज इन दिस एक्वेरियम। ये सेंटेंस गलत है। Why? क्योंकि अभी मैंने बताया ये वर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं, तो फिशेज जैसा कुछ नहीं होता। आपको क्या यूज करना था? फिश। फिशेज वर्ड भी होता है, बट वहां पर उसका मीनिंग अलग होता है। अगर आप वैरायटी ऑफ फिशेज की बात कर रहे हो, तब आप कह सकते हो फिशेज। बट अगर एक ही टाइप की फिश की बात हो रही है, तो वर्ड फिश ही रहता है, वहां आप नहीं कह सकते फिशेज। तो देर आर फाइव फिशेज नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे? देर आर फाइव फिश, क्योंकि वर्ड सिंगुलर प्लूरल में दोनों में क्या रहता है? फिश। हाँ, वर्ब यहाँ पर प्लूरल आ जाएगी आर। एक फिश होती तो आप कहते देयर इज अ फिश। ठीक है, तो वर्ब दोनों यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप उसे यूज किस सेंस में कर रहे हो। सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आई। प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो इन सेंटेंसेस में आपको जो है एरर मोस्टली इस वर्ड पर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वर्ब में मिला तो आपको कंटेक्स्ट वहां पर वो बताएगा, एग्जामिनर आपको कंटेक्स्ट बताएगा कि सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है या प्लूरल, अदरवाइज आप वर्ब का एरर बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, लेट्स कम टू रूल नंबर एट एंड द लास्ट रूल ऑफ दिस टॉपिक। रूल नंबर एट सेज, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक 100, 1000, 1,00,000, डजन, पेयर, स्कोर आर यूज्ड इन सिंगुलर विथ न्यूमरल एडजेक्टिव्स। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कहता है ये रूल? कि अगर आपको कुछ ऐसे नाउन्स देखने को मिल जाए जो कुछ नंबर एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 100, 1,000, 1,00,000, डजन, पेयर, स्कोर, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना? तो इन वर्ड्स को ये कह रहा है आप सिंगुलर में यूज करते हो, वेन When these words are used with numeral adjectives। अब ये numeral adjectives क्या होता है? Numeral adjectives आपके होते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने ऐसे बोला तो ये 1, 2, 3 जो है ये आपके कैसे हैं? Numeral adjectives। तो अगर आपको ये वाले nouns किसी numeral adjective के साथ दिखे मिले, 1, 2, 3 के साथ, तो आप कैसे यूज करोगे nouns को? सिंगुलर में, अदरवाइज ये प्लूरल में यूज होते हैं। मैंने आपको दोनों ही सेंटेंसेस देखे यहाँ पर ले लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, यहाँ पर आपको वर्ड दिखा लैक, इसी कैटेगरी का वर्ड है। इससे पहले आपको दिख रहा है एक न्यूमरल एडजेक्टिव, दैट इज टू, इसलिए यहाँ पर हमने लैक्स ना लिखकर क्या लिखा? ओनली लैक। बताया ना अभी मैंने आपको रूल कि न्यूमरल एडजेक्टिव आते ही सिंगुलर होंगे, तो 2 लाख स्टूडेंट्स हैव कम।
बट अगर वैसे आप जनरल सेंस में यूज करो, आप इसके आगे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव ना लगाओ, तो आप इसे कैसे लिखोगे? लैक्स. आप कह सकते हो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम. क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं. शी बॉट डजन्स ऑफ बनानास. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई आपका न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लगा है, इसलिए ये प्लूरल आएगा डजन्स. बट जैसे ही देखो नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या लिख दिया, इससे पहले फोर, तो अब ये डजन कैसा हो गया? सिंगुलर, क्योंकि ये न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया इसके आगे. तो मैंने बोला शी बॉट 4 डजन बनानास. यार कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, शी बॉट 2 डजन बनानास, शी बॉट 1 डजन बनाना. ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव आते ही यहाँ पर सिंगुलर, अदरवाइज ये कैसे रहेंगे? प्लूरल. क्लियर? तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. तो ये थे कुछ रूल्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन एंड पोजेशन डिस्कस करेंगे. टिल देन, इफ यू लाइक दिस सेशन, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद टॉपिक नाउन एंड पोजेशन. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.